नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं, हमारे देश के राजनेताओं की मस्ती को इतना उफान है कि उस देश के गरीब जनता और खास करके असहाय जनता की मजाक उड़ाना तो दूर, उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर अपमान करने की स्थिति में आए हैं। इतिहास याद रखता है ऐसे लोगों को जो ऐसी मस्ती करता है। और ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कहावत है, एक जानकारी है, एक नुस्खा है, एक किस्सा है, और वो है फ्रांस से जुड़ा हुआ। वहां का एक राजा था, उस राजा के ऐश आराम की जिंदगी में वहां के जनता जब बहुत ही बदहाल थी, तब वह सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, खाने को वहां पर कुछ नहीं था, लोग बेहाल थे। ऐसे में वो बहुत हिम्मत करके राजा के पास गए और कहा कि खाने को रोटी नहीं। तब राज दरबार ने कहा कि खाने को रोटी नहीं तो केक खाओ। या आज भी दुनिया के तमाम देशों में छोटे छोटे जगहों पर भी इस किस्से को बताया जाता है। इससे आगे बढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री मांझी ने एक और तुच्छ बयान दिया है। उसने तो केक खाने की सलाह दी थी, लेकिन इसने कहा है कि चूहे खाओ। जिस देश के गरीब को रोटी नहीं मिलती, उसको चूहे खाने की सलाह देने वाले लोग इस देश में मुख्यमंत्री पद पर बैठते कैसे है, बैठने के बाद ये बयान देते कैसे है, और बयान देने के बाद इतने दिनों बाद भी देश की जनता, मीडिया चुप रहता कैसे है, ये हमको समझ में नहीं आया। इसलिए आज हम बिंदास बोल में ये मुद्दा आपके सामने लेकर आए। हम चाहते हैं कि देश ऐसे लोगों का निषेध करे, ये लोग, ये बात, ऐसी घटनाएं लोगों तक पहुंचे और उसके द्वारा ऐसे लोगों की असलियत समाज के सामने आए। इस मुद्दे पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह बेकऑफ होकर दें। उसकी पहले जरा मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। मांझी का एक और बेतुका बयान। मांझी ने बिहार की जनता का उड़ाया जमकर मजाक। बाढ़ पीड़ित जनता को सीएम ने दी चूहे खाने की नसीहत। चूहे खाने की नसीहत देना कितनी सही। कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। बोलो सर। यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर, अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। सर वो लोग सपोर्ट खींच लेंगे समझकर हम लोग खाम खां डरते रहते हैं, और ये छोटी मोटी लिटरेट पार्टियां जात और धर्म के नाम पे सरकार को धमकाती रहती है। अगर इन लोगों को यहीं नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे, कम से कम टीयर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, और चौथा है हमारे कार्यकर्ताओं का। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी, और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। फिल्म के इस सीन में आपने देखा किस तरह राज्य का सीएम अपने क्षेत्र में हुए हादसे के बाद वहां की जनता की सहायता करने की जगह उनके लिए बेतुकी बयानबाजी कर अपनी कुर्सी के लिए सियासी रोटियां सेक रहा है। ऐसा ही कुछ बिहार की सियासत में भी इन दिनों देखने को मिल रहा है। सुर्खियों में छाए रहने के लिए बिहार के सीएम जीतन राम मांझी भी इन दिनों बेतुकी बयानबाजियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिनके चलते मांझी ने बड़बोलेपन में बिहार में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को चूहा खाने की नसीहत दे डाली। गौरतलब है कि बिहार में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही की मार झेल रही जनता को सहानुभूति और सहायता देने की बजाय मांझी ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है अगर लोग चूहा खाकर अपना पेट भर रहे हैं। चूहा मार के खाना कोई खराब बात है क्या? सारी बात की सुविधा हम लोग ने दिया है, और उसमें जहां तक चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते हैं। सुना आपने,
मांझी ने ये तक कह डाला कि वो भी चूहा खाया करते थे। बाढ़ पीड़ितों के मजबूरी में पेट भरने के लिए चूहा खाने पर बेबस होना और सीएम का कहना कि चूहा खाना खराब नहीं है चौंकाने वाला बयान है। आपको बता दें कि हाल ही में अगस्त में कोसी नहर ने अपना कहर इस तरह बरपाया कि उत्तरी बिहार में बसे कई गांव के गांव तबाह हो गए। लोग वहां से पलायन करने लगे और जीने की चाह में हर वो मुमकिन कोशिश करने लगे जिनमें उन्हें जीने की उम्मीदें नजर आ रही थी। लेकिन सीएम साहब तो बेबस जनता का मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आए। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही अपने इस्तीफे के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठाया था, पर नीतीश को क्या पता कि मांझी उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने की जगह उनकी साख पर बट्टा लगा देंगे। मांझी का विवादों से पुराना नाता है, मांझी ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। हाल ही में मांझी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र मखदूमपुर के झमड़बिगहा गांव के आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए साफ कहा था कि मैं आपके इस गीदड़ भाव से डरने वाला नहीं हूँ। सूबे की जनता मांझी के पास बिजली की फरियाद लेकर गई थी, लेकिन साहब को जनता की फरियाद सुनने की तो आदत है नहीं, क्योंकि वो खुद इतना बोलते हैं कि प्रदेश की जनता उनसे दुखी रहती है। इतना ही नहीं, मांझी जनता की फरियाद सुन भड़क उठे और बिना सोचे समझे ये कह डाले कि हम आपके वोट से नहीं जीतते हैं। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीते हैं। इस गीदड़ भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता। सियासत तो अपनी जगह है, पर पीड़ित जनता के लिए इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर मांझी ने दिखा दिया कि वे सिर्फ सत्ता के ही भूखे हैं और प्रदेश की जनता से उनका कुछ लेना देना नहीं है। मांझी साहब, बयानबाजी छोड़कर जनता की दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये जनता पलक झपकते ही आपको सत्ता से बेदखल कर सकती है। हर्षित शर्मा और धीरज कुमार के साथ संदीप तिलवारी, स्पेशल डेस्क सुदर्शन न्यूज। ये महाशय खुद चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कृपा से या मजबूरी से कहिए, ये वहां पर मुख्यमंत्री की खुर्ची पर बैठे हैं। अपत्र लोगों को बिठाकर बड़े पद देने से क्या क्या नुकसान होते हैं, इसका बड़ा उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री बार बार साबित हो रहे हैं। आइए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं ये बेवकूफ मंत्री को सलाह देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता सब समझदार है, आप ये चूहा खाने की नसीहत न दें। नहीं तो लोकसभा में आपको परिणाम दिखा दिया गया है, विधानसभा में आपका पटना साफ भी हो जाएगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सुरेश जी। हाँ हाँ, अवधूत कुमार बेंगलोर से। हाँ, ये गणपति उत्सव में हमारी संस्कृति को बदनाम करने का मौका देख कॉन्वेंट के विद्यार्थी और अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने का यह मंसूबा है। विनाश काले ने विपरीत बुद्धि का ये चपकल नमूना है। अंधे के हाथ में अनार की टोकरी लगी तो इस अंधे को अनार के छिलके कड़वे लग रहे हैं, जैसे मांझी जी को मुख्यमंत्री पद लग रहा है। यह मांझी नहीं बोल रहे हैं, मांझी के आका बुलवार है उनसे। बहुत हुआ बहुत हुआ, भारत जाग उठा है। भारत को ऐसे मांझी बहुत है भारत में। जहाँ मेरा जन्म हुआ वह क्षेत्र भारत का अतिशय सूखाग्रस्त है। भारत के एक पूर्व कृषि मंत्री का भतीजा वहाँ पेशाब करने की बात करता है। ये ऐसे मांझी बहुत है। हम जाकर हमको हमें हम उनका इंतजाम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बिल्कुल ऐसी ही बेतुकी बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कही थी और उसकी याद यहाँ पर ये कॉलर दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? की बात थी। हाँ, अब जो है चूहाखोर की बात हो रही है। ऐसा लगता है कि ये आदमखोर इंसान है और ऐसे आदमी को जो है भारत देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इनको जो है लगता है मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन बिगड़ने के पश्चात इनको जो है कोई अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पे रहे, और जनता चाहे तो उसको जो है इनको जो है हटाकर और एक तरफ जो है उसको कर देना चाहिए। महेश चावला, दिल्ली से। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पर, हमारे वेबसाइट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और आप स्काइप के द्वारा घर बैठे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो
सुरेश भाई नमस्कार। नमस्कार बोलिए। हेलो सुरेश भाई नमस्कार। भाई नमस्कार ही करते रहेंगे तो दो चार चूहे तब तक खा जाएंगे माजी जी। चलिए कट गया, अगले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर दो भारत बसते हैं। एक तो रईसों का भारत है, एक गरीबों गरीब आदमी की हमेशा धज्जी उड़ाई जाती है। हाँ। और चैनलों को कोई काम नहीं रह गया, ये सिर्फ ये छोटे मोटे मुद्दों को बहुत बड़े देश के मुद्दे बना दिए जाते हैं, जबकि इनसे कोई मतलब नहीं होता है। इन चैनलों को जो दिखाते हैं पब्लिक को देखना पड़ता है, जो अखबारों में छापते हैं वो अपना जनता की कोई राय नहीं होती। ये समाचार खा के बनाए जाते हैं ये, और ये समाचार नहीं होते, ये अपनी तरफ से बना के समाचारों को थोपा जाता है जनता के ऊपर। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर चैनलों को मीडिया को गंभीरता है तो मांझी के इस बयान को उतना क्यों नहीं उछाला गया कि मांझी माफी मांगे, उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ते। लेकिन इसकी चर्चा बस एक खबर के तौर पर की गई, और इतना बड़ा हिंदुस्तानियों का अपमान किसी मुख्यमंत्री ने किया और देश का मीडिया चुप रहा। अगले कॉलर। जय हिंद बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी सर, जय हिंद सर। हम मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री के इस बेतुके बयान पर बल्कि बिहार की जनता ही नहीं पूरे भारत में काफी आक्रोश हो रहा है, और हम जैसे युवा पीढ़ी भी इनके इस बयान से काफी दुखी है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जनता के बाजुओं में बहुत ताकत है। अगर जनता अपने आप पर आ जाएगी तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जय हिंद सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आठवीं पास बंदे को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है तो इनको अब मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ऐसे ऐसे बयान तो ये देंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी चुनाव जीत नहीं पाए, जिनकी राजनीतिक हैसियत क्या थी हम जानते हैं, लेकिन केवल जाति के आधार पर, और यूं कहे कि वहां अपनी खुर्ची जाति देख, लेकिन अपने दल को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने ये दांव खेला, लेकिन इस दांव को बिहार की जनता के गले के फांस के तौर पर देखा जा रहा है। कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, मांझी का बड़बोलापन। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दलित समाज से आते हैं, लेकिन हाल ही में दिए अपने बयान से मांझी ने बिहार की गरीब जनता को ठेस पहुंचाया है। लेकिन मांझी अपने इस बड़बोलेपन को अपना स्टेटस समझ रहे हैं, यही कारण है कि मांझी बड़बोलेपन से बाज नहीं आते। मुख्यमंत्री की गरिमा को उछालना। मांझी ने गरीब जनता के साथ साथ सीएम की गरिमा को भी उछाला है। मांझी को ये समझ नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की क्या गरिमा होती है। वो यही समझ रहे हैं कि जब तक इस पद पर बना हूँ, इस कुर्सी का भरपूर फायदा उठाया जाए, आगे जो इस पद पर बैठेगा वो इसकी गरिमा का ख्याल रखेगा। गरीब जनता का मजाक उड़ाना। सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी अपने पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए बिहार की बाढ़ पीड़ित जनता का जमकर मजाक उड़ाया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि चूहा मार कर खाना खराब बात नहीं है, मैं भी चूहा खाता था, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, और आज भी उन्हें चूहा मिल जाए तो परहेज नहीं करेंगे। चूहे जैसे जहरीले जीव को खाने की नसीहत देना किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। ये जनता का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है। सुर्खियों में बने रहना। मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बने महज 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन मांझी इन 3 महीनों में लगातार मीडिया में बने हुए हैं। मांझी सुर्खियों में बने रहना बखूबी जानते हैं, यही कारण है कि मांझी हर रोज एक नए विवाद के साथ मीडिया से रूबरू होते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। सुर्खियों में कैसे बने रहना है कोई सीखे तो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं पुष्कर बोल रहा हूँ समस्तीपुर से, बिहार। हाँ, से। हाँ। सर मैं कुछ एक मिनट टाइम लूंगा। सबसे पहले नीतीश कुमार जी की बात करता हूँ, जिन जीतन राम मांझी को यहाँ पे बिठाया है मुख्यमंत्री के पद पे। नीतीश कुमार बिहार में राजनीति की अपनी दशा त्रास कर रहे हैं, जो कि खत्म हो चुकी है बिल्कुल। बीजेपी और जेडीयू जनता ने सपोर्ट दिया था, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया था बिहार में, लेकिन एक समुदाय विशेष के कारण नीतीश कुमार आज यहाँ ऐसी स्थिति उनकी हो, जितना राम मांझी को उनको उसकी जगह बिठाना पड़ा, जिनको मीडिया के सामने बोलने का तमीज नहीं है, कैसे बात किया जाता है, जनता को कैसे संबोधित किया जाता है, वो किसी राज्य को कैसे ला सकते हैं, समझने वाली बात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।
जिस आदमी को इतनी अकल नहीं हो एक राज्य को कैसा चला सकता है, यह सवाल पूछना वाजिब है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। ऐसे दलित मुख्यमंत्री तो ये तो देश के नाम पे कलंक है। इन लोगों को तो बहुत शिक्षा की जरूरत है, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इन लोग ऐसे ऐसी बातें जो बोलते हैं इसको बोलना नहीं चाहिए, अनपढ़ की तरह लगते हैं इन लोगों को। इनको तो बहुत अच्छे से सबक सिखाना चाहिए जनता को। धन्यवाद, लेकिन मैं कॉलर को कहूंगा कि दलित ऐसा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस देश की घटना लिखने वाला भी दलित था और उसकी प्रतिभा को या तमाम ऐसे कई प्रतिभावान लोगों को आज भी देश के लोग जानते हैं, समझते हैं। दलित हो इसलिए उनको छूट दी जाए या दलित है इसलिए उनका निषेध किया जाए, ये पक्ष होना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जो करतूत है इसके आधार पर यह कॉमेंट करना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद, नमस्कार, बोलिए। जो बयान दिया है चूहा खाने वाला, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ तो धरती माँ कोई बेच के खा चूहे रहेंगे कहाँ? ये तो इतने बेशर्म है कि चूहा भी इनके बेशर्मी को देख के भाग गए। इनको जनता का भावना का कोई कदर ही नहीं है। ऐसे नेता जिसका शकल भी अच्छा नहीं तो कम से कम तो अच्छा होना चाहिए था, जो जनता का इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि चूहा खा लो। अब जब चूहा खाएंगे तो शकल कैसी होगी? धन्यवाद, अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को ये बिहार की जनता जवाब देगी। हाँ बस यही मेरा सवाल है। कब देगी? अभी विधानसभा चुनाव में। कितने दिन है अभी? ढाई साल। तब तक कितने चूहे खाएंगे मांझी जी? अब मांझी जी क्या मांझी जी, हमें लगता है सही बयान देते रहेंगे उल्टे सीधे। चलिए हम उनके बयान भी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि अब तक 100 दिनों में उन्होंने कितने बयान दिए। हालांकि 100 दिन पूरे नहीं हुए लेकिन मांझी के बयानों की सीरीज 100 से आगे जा चुकी है। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार जी, मैं शिशपाल हर्ष बिहार से बोल रहा हूँ, चादरा दिल्ली से। ये जीतन राम मांझी से मैं ये पूछना चाहता हूँ की ये बेकूफपना फैलाना तो जो अपने घर में फैलाई, इसने कुछ दिन पहले भी एक बयान दिया था कि जो है लड़का बेटा जो है गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा तो क्या बुरा कर रहा। ऐसे ये बेवकूफ जो है सारे देश में हो रहे हैं, ऐसे ऐसे इन बेवकूफों को तो ये हटा देना चाहिए यहाँ से बिल्कुल। राज्य पे उनको नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी, इनको किसने बैठा दिया राज्य पे? धन्यवाद, अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर, ये चूहा मार के खाए, मौका मिले तो बिहार तो नहीं खा जाएंगे। तो कब तक मौका देंगे? ये मुख्यमंत्री का ये शोभा देता है, एक आदमी बाढ़ में डूब रहा है, ये मजाक उड़ा रहे उसका। बल्कि ये केवल मजाक नहीं, ये अपमान है, ये निंदनीय अपना अपमान है और निंदा से आगे बढ़कर सजा देने लायक अपमान है। और इसलिए आज का पूरा एक घंटा बिंदास में हम आपके सामने इस निंदा को और इनको सबक सिखाने के लिए, देश की जनता को, इनके पार्टी के लोगों को दिखाने के लिए कि देश की जनता ऐसे बयानों पर क्या कहती है, ये समझाने के लिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। हाँ, ये मांझी को चूहों का घास खा के पहनाओ और उसको बोलो कि एक एक करके खावे हम सबके सामने, तो देखे। वो तो ऑलरेडी खा रहे हैं, उन्होंने तो कैमरे के सामने बोल दिया है कि मैं भी खाता था कहा या खाता हूं पता नहीं, लेकिन खाने की बात उन्होंने कबूली है। धन्यवाद, अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। सर ये मांझी सरकार जो है बुखला गए है कहा जी सर, इनको सर नैतिकता खाकर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, ऐसा कोई शब्द बोलते हैं? कभी चूहा खाते हैं तो कभी सातवीं पास करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है सर। है बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन अगर इतनी नैतिकता बची होती तो क्या ये ऐसी बातें करते? यही सवाल है, सवाल और आपकी प्रतिक्रिया जारी है। बिंदास में हम आपकी सारी बातों को आगे भी रखेंगे, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास प्रचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, बिहार के बड़ बोले मुख्यमंत्री
जो खुद चूहे खाते हैं ऐसा कहते हैं और लोगों को चूहा खाने की नसीहत देते हैं। 21वीं सदी में भारत की प्रतिमा दुनिया में सॉफ्टवेयर के कारण आईटी की बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर भारत का झंडा चारों सातों समुंदर पार फैलाने की बात कर रहे हैं और इधर बिहार के मुख्यमंत्री, जिस बिहार को विद्या का बड़ा केंद्र कहा जाता था, जहां के विश्वविद्यालय विश्वविख्यात थे, वहां का आज का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं खुद चूहा खाता हूं और आप लोग भी चूहा खा सकते हैं, यह चूहा हिंदुस्तान को भी खिलाए और उसको कुतर दे, इसके पहले इसका उपाय होना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी सूरज जी नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सूरज जी नमस्कार। हाँ, मैं अहमदाबाद से विनोद भाई बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे लोगों को शपथ लेने से पहले जनता से 50 सवाल पूछने चाहिए, उसके बाद में शपथ दिलानी चाहिए। ऐसे में हमारे ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो हमारे को 25 सवाल पूछते हैं, उसमें 11 सही होते तो हमारे को लाइसेंस मिलता है। ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए, जैसे तैसे आके बैठा जाना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद, लेकिन ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो इनके पास सारे लाइसेंस आ गए, ये क्या खिलाएंगे पता नहीं। अगले कॉल, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं सहारनपुर दिल्ली से बोल रहा था, प्रसन्न शर्मा। हाँ सर, ये ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बयान देंगे तो कैसे ये बिहार का काम चलेगा? इसे बताइए, ऐसे ऐसे अपना घर में बयान देना चाहिए, बाहर में देना चाहिए, समझ में नहीं आती ये सब क्या चलता है सर। ये समझ में नहीं आता और हम इस पर बोलते नहीं, यही तो इनके लिए खुली छूट हो जाती है। जरा ये खुली छूट का इन्होंने क्या क्या अभी तक फायदा उठाया और अपनी पात्रता साबित करने वाले क्या क्या बयान दिए, ये देखिए। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सबसे ज्यादा हलचल बिहार की सियासत में देखने को मिली, जहां एक ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नैतिकता का हवाला देते हुए अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, वहीं बिहार के नए सीएम बने जीतन राम मांझी अपने बड़बोलेपन के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हम आपको एक एक कर सुनाते हैं मांझी के वो बयान जिससे नीतीश कुमार के साथ साथ पार्टी भी सकते में आ गई। उन्होंने नीतीश के कार्यकाल को बेहतर तो बताया पर इस बात को भी कह डाला कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी फैला है, जिसका सामना मांझी को खुद भी करना पड़ा। विधायक ने क्या, हम गए उनके यहाँ, हम कहा कि आपके यहाँ बड़ी चोरी हो रही है, जैसा आप कह सकते हैं कि चोरी हो रही है, हम कि हमारे साथ हमने चोरी किया है, जब आप हैं आप कहते कि चोरी कर रहे हैं, कि हाँ हाँ कल ही की बात है, 25,000 का बिल हमको 5,000 का मामला तय हो गया। वहीं अपने बेटे पर लगे बयान पर सफाई देते हुए मांझी इतने भावुक हो गए कि बेटे की गर्लफ्रेंड तक का जिक्र उन्होंने अपने बयान में कर डाला। तो कहा अभी एक जगह और इको पार्क में तो बहुत से लड़के लड़कियां बैठते हैं, तो क्यों नहीं उसकी चिंता होती है? उस प्रकार से मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौर की बात करें तो जो लोग रैली के समय मांझी को सुनने आए थे, मांझी ने उन्हें ही पागल बता डाला। जितना आप सोच रहे हैं वही बहुत काफी है, हल्ला करोगे तो कह देंगे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, हल्ला करते रहो। चुनावी माहौल में अपने वोट को बढ़ाने के चलते मांझी ने बयान दिया कि दलित बच्चों को अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। हम आज के दिन में यही परामर्श देना चाहेंगे कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए, और यदि हम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला, बिहार में सरकार उसी की बनेगी, किसी की। अगर मांझी के हालिया बयान की बात करें तो साहब ने एक बार फिर अपने बयान से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को शर्मसार कर दिया। मांझी ने कहा कि छोटे व्यापारियों का कालाबाजारी कोई गुनाह नहीं है, ये काम वो आगे भी जारी रख सकते हैं। कि यदि आपके बारे में कोई कहता है कि ये चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो कितना के कालाबाजारी करेंगे? 1,000, 2,000, 4,000
बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी तंज कसे थे। कहा था बिहार के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं। फरियादियों पर भड़के बिहार के मुख्यमंत्री मांझी 29 अगस्त यानी गुरुवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बिजली की मांग कर रहे लोगों पर मांझी भड़क गए। उन्होंने उनसे साफ कह दिया कि हम आपके वोट से नहीं जीतते। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं। बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरा भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता। बिहार में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के चूहा खाकर जिंदा रहने की खबर पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विचित्र बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चूहा मारकर खाना खराब बात नहीं है। मांझी ने कहा कि मैं भी चूहा खाता था। दरअसल जीतन राम मांझी मुसहर जाति से ताल्लुक रखते हैं। देश के जिन इलाकों में ये दलित जाति है वहाँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अब भी बेहद पिछड़ी है। तो सुना आपने बिहार के बयान बहादुर सीएम जीतन राम मांझी को कैसे अपने ही बयानों से पार्टी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो मांझी को कुछ और ही सोचकर सीएम बनाया था, लेकिन मांझी अपने ही बयानों से नीतीश कुमार के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में नीतीश चाहकर भी मांझी का कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश बाबू, मांझी को बिहार का कमान सौंपा है तो झेलो। सुदर्शन न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। तो यह बयान मास्टर बिहार के मुख्यमंत्री, इतने बयान देने के बाद भी बिहार की जनता इनको सुनने को कैसी आती है, बड़ी विशेष बात है। अगले कॉलर जहिन। जहिन सर बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है सर, एसोसिएशन को तो अभी अभी इस्तीफा दे देना चाहिए सर। लेकिन कौन देगा? वो खुद तो नहीं देंगे। हेलो, धन्यवाद। इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसा आप कह रहे, लेकिन जब तक आखा नहीं देंगे, जब तक नीतीश कुमार खुश है, नीतीश कुमार जैसा जिनको बुद्धिजीवी हम लोग मानते थे, ऐसा व्यक्ति ऐसे मुख्यमंत्री को पहले तो बना कैसे सकता है? और अगर बना भी दिया, मानो गलती हो गई, तो क्या गलती को दुरुस्त करने के लिए पीछे क्यों हट रहा है? क्या ऐसा कारण है इस मुख्यमंत्री को हटाने के कारण इनका एक MLA तक कम नहीं हो सकता? क्योंकि इनके पीछे खुद को जीत कर लाने की भी ताकत नहीं है, राजनीतिक हैसियत नहीं है, तो ये किसी सरकार में बने हुए अन्य किसी को बाहर नहीं लेके जा सकते। अगले कॉल जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ, जीतन राम ने नसीहत दी है चूहा खाने की, लेकिन मैं आपके माध्यम से उसे नसीहत देना चाहता हूँ और उसकी पार्टी के और नेता गठबंधन वाले हैं कि चूहे और चारा खाने के बजाय अनाज खाना शुरू कर दे, क्योंकि इनके संगठन वाला जो दूसरा दल है वो भी जो है गाय भैंस का चारा खाता है, इनकी आदत बनी हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार को पहले जाना जाता था चारा खाने के लिए, अब चूहा खाने के लिए भी जाना जाएगा। देशवासियों को मैं कहूंगा इसका निषेध करने का और तरीका हो सकता है, आपके आसपास का मरा हुआ चूहा पैकेट में पैक करिए, ऊपर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बिहार पटना लिखकर भेज दीजिए, इनको ये बख्शिश शायद ज्यादा मिलेंगे, तो इनका कुछ काम भी होगा और बिहार के राजकोषीय खाने का जो खर्च होता है उसका भी कुछ बचत होगा। अगले कॉलर जहन। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए जी। मैं हरिशंकर पांडे सौदिया से बोल रहा हूँ। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहनी है, बस सिर्फ ये कहना है कि ये जीतन राम मांझी हो, नीतीश सरकार हो या लालू से गठबंधन करके इन्होंने वही 90 के दशक का बिहार फिर से लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे आप, धन्यवाद। बिल्कुल इस कॉलर का सही कहना है कि जो लालू के समय का 90 के दशक का जंगल राज जिस तरीके से था, क्योंकि मनुष्य के राज में कोई चूहा कैसे खा सकता है और मुख्यमंत्री खाने की बात कैसे कर सकता है, या टैक्स चोरी करो जितना करना है ये कैसे कह सकता है, लड़कियों को भगा कर लेके जाने का समर्थन कैसे कर सकता है, कितनी उटपटांग बातें यहां पर की है, ये बातें उस 90 के दशक को याद नहीं दिलाती तो और किसको दिलाती है। अगले कॉलर जहन।
मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के जो कि चूहे खाते हैं, चारा खाते हैं, इन्होंने तो मुख्यमंत्री की गरिमा को ही भंग कर दिया। ऐसे लोगों को क्यों बिठाया जाता है कुर्सी पर? ये नीतीश कुमार को पूछना चाहिए। हाँ तो सर वही मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर जय हिंद। बोलिए। हाँ जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर मैं जो जीता ना मांझी हूँ सर। हाँ मेरे को चूहे के रूप में मेरे को दिख रहा है, बिल्ली के रूप में दिख रहे हैं। हाँ क्योंकि चूहा जो खाने वाला था वो बिल्ली खाता है। हाँ ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार में लाके छोड़ देना चाहिए, बिहार के जंगल में, ठीक है। और एक जो मुख्यमंत्री है जनता इनको नहीं बनाई है, इनको नीतीश कुमार ने बनाया है। बिल्कुल, ये इसलिए बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। ये बिहार के जनता के नेता नहीं है, ये नीतीश कुमार के प्यादे है। बिहार के जनता ने ना इनको एमएलए बनाया है और ना एमएलओ के गुट ने, संसदीय दल ने इसको दल का नेता बनाया है या अपॉइंटेड है, और इसलिए ये पूरे बिहार के नेता नहीं हो सकते। ये कॉलर का तर्क है। हम जरा परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखें, दूसरा है जात वालों का और तीसरा है सरकार से जनता का मोहभंग होना। सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी अगर ऐसे ही बयान देते रहें तो प्रदेश की जनता का सरकार से मोहभंग हो जाएगा। इतना ही नहीं, जनता मुख्यमंत्री के पद का मजाक उड़ाएगी। पार्टी में अंतर कलह की स्थिति। मांझी ऐसे ही बयानबाजी करते रहें तो पार्टी के अंदर भी कलह की स्थिति पैदा हो सकती है और अपने ही पार्टी के नेता मांझी के खिलाफ विरोध प्रकट कर सकते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। जनता का उग्र होना। प्रदेश की गरीब जनता पहले ही बाढ़ से पीड़ित है, ऐसे में सूबे के मुखिया अगर जनता की दर्द को दरकिनार कर बेहुदा बयानबाजी करते हैं तो जनता उग्र हो सकती है, जिसका खामियाजा मांझी को भुगतनी पड़ सकती है। इसमें सरकार और जनता दोनों का नुकसान हो सकता है। वोट बैंक में कटौती। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी भले ही मुसहर जाति से हैं, लेकिन ऐसी बेहुदा बयानबाजी से जनता का पार्टी से और व्यक्ति दोनों से मोहभंग हो जाएगा, जिसका खामियाजा प्रदेश की पार्टी को वोट बैंक में कटौती के तौर पर उठानी पड़ सकती है। सरकार से जनता का विश्वास उठना। बाढ़ जैसी भयावह स्थिति में बिहार के सीएम ने जनता को राहत देने की बात न कहकर बेतुका बयानबाजी कर जनता का विश्वास तोड़ा है। उस स्थिति में सीएम जीतन राम मांझी ने बाढ़ से प्रभावित जनता का उपहास उड़ाया। ऐसी सरकार पर प्रदेश की जनता कैसे विश्वास कर सकती है कि भयावह स्थिति में सीएम जनता को मदद पहुंचाएंगे? अगले कॉलर जय हिंद। हेलो, बोलिए। सर मैं बिहार से अंशुमान बोल रहा हूँ। सर आपके चैनल के माध्यम से सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपके चैनल से के माध्यम से देख रहे हैं वो एक एक चूहा डेली जीतन राम मांझी के जहाँ रहते हैं सीएम ऑफिस वहाँ कुरियर करें और जीतन राम मांझी खुद खाएं और नीतीश कुमार को भी साथ में खिलाएं, लेकिन बिहार की जनता को न खिलाएं। धन्यवाद। अगले कॉलर जय हिंद। मानसिक राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ जो नॉन मैट्रिक होते हैं ये पशु के समान बिगड़ पढ़े लिखे को मुख्यमंत्री कौन बना देता है? जैसे ये सारे जानवर इकट्ठे हो गए बिहार के अंदर, जैसे लालू जी तो पूरे चारे वो खा गए, ये सुहा खा गए, अगला नेता कोई इनका वो कुछ खा जाएगा, ऐसे नेता को मुख्यमंत्री कौन बना देता है? धन्यवाद। लेकिन ये ठीक है कि नेता सुशिक्षित होना चाहिए, लेकिन क्या ये केवल पढ़ाई वाला अज्ञान नहीं है? ये तो मुझे पता भी नहीं कि इनकी पढ़ाई क्या हुई है, क्योंकि इनको अब ये कुछ पढ़े होंगे इस पर भी मेरा भरोसा नहीं होगा। कुछ डिग्री होगी भी इनके पास तो वो सच होने की संभावना कम ही होगी, क्योंकि इनके बयान बताते हैं कि ये अनपढ़ भी तो कभी कभी ठीक हो सकता है। कई अनपढ़ हमारे यहां पर अच्छे साहित्यिक हुए थे, लेकिन ये पढ़े लिखे हो गए भी तो भी ये उससे भी बहुत ज्यादा गए गुजरे है। अगले कॉलर जय हिंद। मैं रवि बैंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट एक सीएम के पोस्ट पे रखे शोभा नहीं देती है। काफी पहले मतलब लालू जी के शासन था, आज से 7 साल पहले अफसोस होता था, मैं कुछ नहीं कर पाता था। नीतीश जी का शासन आया, कुछ सुधार हुई, काफी कुछ सुधार हुई, लेकिन उसके बाद अभी फिर जीतन राम मांझी को सीएम के रूप में देख रहा हूँ और रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। अभी मैं चैनल पे देख रहा था आपके सुदर्शन न्यूज पे, बहुत ही अफसोस हो रहा है फिर से।
मतलब क्या है, मतलब सीएम का पोस्ट बहुत ही एक मायने रखता है, पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह बैंडबाजी से क्या वो साबित करना चाहते हैं? आप क्या करते हैं बेंगलोर में? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दुनिया के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता होगा? हाँ, इंटरेक्शन होता है दुनिया के लोगों से। तो आप कल्पना करिए कि जिस दिन आप अपना नेटिव या अपने फेसबुक पर भी अपना बिहार लिखा होगा, हाँ, तो आपको तो लोग कहेंगे कि आप उस राज्य के रहने वाले जहाँ के मुख्यमंत्री खुद चूहा खाते और लोगों को खाने के लिए कहते हैं। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। दुनिया में बिहारी कहीं भी रहे, वो अपने बिहार के बाहर मजबूरी से जाता है, क्योंकि वहां पर रोजगार के साधनों की कमी है, या किसी ने चारा खाया, किसी ने चूहा खाया, किसी ने पूरा राज्य खा लिया, इसलिए वहां करने के लिए संभावना कम है, लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं। लेकिन अभाव के बावजूद भी उनके मन में राज्य के प्रेम के प्रति कोई अभाव नहीं रहता, वो भरपूर होता है, और वो यही चाहते हैं कि हम बिहारी हैं और हम बिहारी मिलकर अपने राज्य के लिए कुछ करेंगे, अपने घर के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इस स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, इस सम्मान को कमी महसूस होती है, और शर्म आती है जब ऐसे नेता होते हैं जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो, चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। झारखंड रेला से बोल रहा हूँ, हाँ। सतीश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। एक्चुअली जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपना सत्ता सुख के लिए ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया गया है जिसका कोई ना तो वजूद था ना तो है, पहला चीज। दूसरा चीज कि उसकी अपनी कोई बना तो पहले बोलता है कि मैं जब भी जब ये सत्ता में थे तो हमने घूस देकर बिजली लिया, बिजली बिल की बात की, फिर उससे पहले उसने कहा कि कुछ और कहा, और आ सत्ता सुख के लिए जिसने चारा खाया उसके साथ दोस्ती कर लिया। और वहाँ खासकर बिहार के लोग इतने भावुक होते हैं, इतने ये होते हैं है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ऐसे, अच्छा मनोवृत्ति टाइप के इतना लगता है, क्रेक टाइप का आदमी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या चीज बोलना है, जानी कि वो जानता है सत्ता के सुख के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो लालू यादव चारा खा ये करते हैं, चूड़ा खाने कुछ और कहेंगे, कल कहेंगे बिहार को ही खा जाओ। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। क्या कहना है आप? बोल रहे हैं कि बिहार के सीएम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, ये वो नहीं सोच रहे हैं कि बेरोजगारी कहां तक जा रही है, झूठ का बोल बेतुकी बयान देते हैं, कालाबाजारी के बारे में बताइए, इससे क्या जनता पे प्रभाव पड़ेगा? एक नीतीश कुमार सीएम थे जो कि कुछ बिहार को सुधार दिए, और ये एक ऐसा सीएम आ गए हैं कि वो लग रहा है कि अब बिहार जैसे लालू जी के राज्य में थे वही अब जंगल राज आने वाला है। स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहिए कि बेरोजगारी घटे, आईटी सेक्टर है, मैकेनिकल ब्रांच है, हर एक तरह के बेरोजगारी घटे, तो ये सब चीज सोचा नहीं जाता है। तो बोलते हैं चूहा खाना चाहिए, क्या है चूहा खाने से क्या होगा, और बीमारी फैलेगी, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा? इस चीज को सुनने से लगता है इतना बहुत बहुत खराब लगता है हम लोग के, मेरे सीएम ऐसे बोलते हैं तो वहाँ के बच्चे क्या करेंगे, क्या एजुकेटेड, क्या वो शिक्षा देंगे बच्चे को? बिल्कुल, धन्यवाद। जरा हम देखते हैं कि किस परिस्थिति में माझी को, ये मच्छधार में डूब रही पार्टी को उस किनारे लगाने के लिए सीएम बनाया गया। बिहार में सुशासन की पोल खोल रहे हैं मांझी, मांझी लगा रहे हैं नीतीश की साख पर बट्टा, मांझी पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं नीतीश, क्या मांझी से डर गए हैं बिहार के पूर्व सीएम, बयान बहादुर बन के घूम रहे हैं जीतन राम मांझी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बिहार के तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने अपनी नैतिकता बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए सीएम को लेकर पार्टी में ही खूब रस्सा कस्सी चली। काफी जद्दोजहद के बाद पार्टी ने जीतन राम मांझी का नाम घोषित किया, और मांझी ने 20 मई 2014 को नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार की सत्ता की बागडोर संभाल ली। उसके बाद से लगातार मांझी सुर्खियों में बने हुए हैं। अपने बयानों से कभी अपनी पार्टी को बैकफुट पर धकेलते हैं, तो कभी सूबे के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार के सुशासन के दावे की पोल खोलते हैं। यही वजह है
कि मांझी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। मांझी जिस तरह से बयान बहादुर बनकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो अब नीतीश कुमार के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मांझी पर इसलिए दांव खेला था ताकि दलित और महादलित वोट को भुना सके। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मांझी की ये बयानबाजी नीतीश पर भारी पड़ी। हाल ही में 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में दलित बहुल क्षेत्र में नीतीश कुमार की पार्टी को निराशा हाथ लगी है, तो वहीं बीजेपी ने बाजी मारी है। ऐसे में मांझी को नीतीश ना तो हटा सकते हैं और न ही बयानबाजी से रोक सकते हैं। गले की फांस बन गए हैं मांझी। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को शायद अब ये समझ में आ गया होगा कि मांझी को सीएम बनाना कितना महंगा पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जिस सुशासन के दम पर नीतीश दोबारा सत्ता में आए, उसी सुशासन का मांझी पोल खोलकर नीतीश कुमार के साख पर बट्टा लगा रहे हैं। मांझी का यही रवैया रहा तो नीतीश ना तो घर के रहेंगे और ना ही घाट के। सुदर्शन के लिए नीतीश कुमार की रिपोर्ट। कॉलर जहन। हेलो, हम मुजफ्फरपुर जिले से बोल रहे हैं, सन्नी कुमार। मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे बिहार के छात्र इतने कमजोर क्यों है। हमारे ऐसे मैंने बताना चाहता हूं कि अब जैसे जब से जीतन राम मांझी जीते हैं, तब से तो हमारे बिहार के छात्र और भी कमजोर हो गए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। चलिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसके परिणाम तो आने वाले दिनों में होंगे, लेकिन अब तक जो बिहारी है वो तो मेहनत के लिए जाने जाते हैं, परिश्रम और प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। मांझी जैसे मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहेंगे तो जरूर इस पर परिणाम हो सकता है। अगले कॉलर जहन, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, नमस्कार सर, मैं बिहार से मोतिहारी जिले से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा कहना है कि बिहार की जनता को इसका जवाब अपने वोटों के बाहुबल से देना चाहिए। और एक लेकिन उसको तो 2.5 साल बाकी है, उसके पहले क्या किया जाएगा? तो सजा देनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर जय हिंद। हेलो, ये मांझी से पूछो, ये मांझी है कि पाजी है? इनसे पूछो, चूहा तो बिल्ली खाती है या तो कुत्ते खाते हैं, इनसे पूछो इनकी नस्ल क्या है, उसको बताओ जरा, पक्का कंफर्म करो। थैंक यू। शायद अब तो बिल्ली ने भी चूहे खाए बंद कर दिए होंगे, क्योंकि बिल्ली भी बदल रही है, लेकिन मांझी पीछे जा रहे हैं। अगले कॉलर जहन, बोलिए। उड़ीसा से बोल रहा था सर, सूरज यादव। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये नीतीश और लालू इन लोगों का बिहार के विकास के प्रति क्या सोच है, ये मांझी जैसे आदमी को सीएम बना करके ये दर्शाते हैं कि हमारा सोच क्या है, बिहार का विकास चाहिए या हमको अपना कुर्सी चाहिए, हमको अपना फायदा चाहिए या बिहार चाहिए। इन लोगों का हम इन सोच को अपना दर्शाते हैं, दिखाते हैं कितना मेरा सोच ऊंचा है या नीचा। बिल्कुल धन्यवाद। अब चुनाव में जाना है तो नीतीश कुमार की साख गिर रही थी जब से वो एनडीए से बाहर आए थे, और वहां होने वाले बिहार के ग्राफ जो नीचे जा रहा था, उसके बाद वो खुद चुनाव में नहीं जा सकते थे। ऐसे में मुझे लगता है कि उन्होंने एक प्रॉक्सी पर्सन को खड़ा कर दिया, और अब जब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी तो चुनाव के समय वो कहेंगे कि अब आने वाला सीएम मैं रहूंगा, तो जो अपने सरकार की जो खामियां है वो मांझी के नाम पर डालने के लिए उनको कोई नाइट वॉचमैन चाहिए था, और उस नाइट वॉचमैन के तौर पर उन्होंने ऐसा व्यक्ति बिठा दिया है, भेज दिया है, जो स्टंप को, बैट को और पीच को कुदेड़ रहा है। शायद इस पीच पर अब नीतीश कुमार को भी बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। अगले कॉलर जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जय हिंद सर, मैं कहता हूँ ऐसे चूहे मार को चूहा मारने के लिए कुर्सी से हटा कर भगा देना चाहिए। धन्यवाद। शायद इन्होंने तो पेस्ट कंट्रोल कंपनी खोलनी चाहिए, जिसमें चूहे मिल भी जाएंगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और उस चूहे पकड़ने के बदले में उनको पेस्ट कंट्रोल के पर स्क्वायर फीट अच्छे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। अगले कॉलर जय हिंद। हाँ जी सर, नमस्कार सर, बोलिए। सर ये मुख्यमंत्री है सर या चूहा पकड़ने वाले सर? धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। अब हम केवल यही बातें ना करें बल्कि हम उपाय की दिशा में जाए कि क्या उपाय हो सकते हैं ऐसे लोगों के मुंह बंद करने के, क्या उपाय हो सकते हैं लोगों को ऐसी हरकत करने से, और क्या उपाय हो सकते हैं कि ऐसे लोग दोबारा ये गलती ना करें। बेतुकी बयानबाजी से बचें। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री उस प्रदेश का सब कुछ होता है। अगर प्रदेश का सीएम ऐसी बेतुकी बयानबाजी में उलझा रहेगा तो प्रदेश के कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए प्रदेश के सीएम को बेतुके बयानबाजी से बचना चाहिए। सीएम की गरिमा को बनाए रखना। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जनता का पालनहार होता है और प्रदेश का सीएम ही ऐसी बयान देकर जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो जनता सीएम की बातों को तवज्जो नहीं देगी। इसलिए जीतन राम मांझी सीएम की गरिमा को नजरअंदाज ना करें। जनता की फरियाद को सुनना। प्रदेश की बदहाल जनता अगर कुछ कह रही है तो उसे गंभीरता से सुनना, ना कि जनता की फरियाद सुनकर जनता पर भड़कना और बेतुके बयान देकर अपनी प्रदेश की जनता को बोझ बताना। जनता का विश्वास जीतना। किसी भी प्रदेश के मुखिया की नैतिकता होती है कि वो अपने प्रदेशी जनता के हर सुख दुख में साथ रहे और जनता के दर्द को बांटे, जनता को बोझ ना समझे। ऐसा करने से जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ता है। अब तक के बेतुके बयान दिए उसको दोबारा सुनाया जाए, इसलिए हम आपको उस बयानों को दोबारा सुनाते हैं जो बेतुके बयानों के लिए मांझी निश्चित तौर पर हजारों सालों तक याद रखे जाएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सबसे ज्यादा हलचल बिहार की सियासत में देखने को मिली, जहां एक ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नैतिकता का हवाला देते हुए अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, वहीं बिहार के नए सीएम बने जीतन राम मांझी अपने बड़बोलेपन के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हम आपको एक एक कर सुनाते हैं मांझी के वो बयान जिससे नीतीश कुमार के साथ साथ पार्टी भी सकते में आ गई। उन्होंने नीतीश के कार्यकाल को बेहतर तो बताया पर इस बात को भी कह डाला कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी फैला है, जिसका सामना मांझी को खुद भी करना पड़ा। हम कहा कि आपके यहाँ बड़ी चोरी हो रही है, कैसा आप कैसे करते हैं कि चोरी हो रही है, हम कि हमारे साथ हमने चोरी किया है। जब आप हैं आप कहते कि चोरी कर रहे हैं, कि हाँ हाँ कल ही बात है, 25,000 का बिल हमको 5,000 का मामला तय हो गया। वहीं अपने बेटे पर लगे बयान पर सफाई देते हुए मांझी इतने भावुक हो गए कि बेटे की गर्लफ्रेंड तक का जिक्र उन्होंने अपने बयान में कर डाला। तो कहा अभी एक जगह और इको पार्क में तो बहुत से लड़के लड़कियां बैठते हैं, तो क्यों नहीं उसकी चिंता होती है? उस प्रकार से मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौर की बात करें तो जो लोग रैली के समय मांझी को सुनने आए थे, मांझी ने उन्हें ही पागल बता डाला। तुम लोगों का जितना आप सोच रहे हैं वही बहुत काफी है, हल्ला करोगे तो कह देंगे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, हल्ला करते रहो। चुनावी माहौल में अपने वोट को बढ़ाने के चलते मांझी ने बयान दिया कि दलित बच्चों को अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। हम आज के दिन में यही परामर्श देना चाहेंगे कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए, और यदि हम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला बिहार में सरकार निश्चित ही बनेगी। किसी अगर मांझी के हालिया बयान की बात करें तो साहब ने एक बार फिर अपने बयान से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को शर्मसार कर दिया। मांझी ने कहा कि छोटे व्यापारियों का कालाबाजारी कोई गुनाह नहीं है, ये काम वो आगे भी जारी रख सकते हैं। कि यदि आपके बारे में कोई कहता है ये चोरी करते हैं कालाबाजारी करते हैं तो कितना के कालाबाजारी करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 कालाबाजारी करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप हमारा बच्चा, हम नहीं समझते हैं कि कोई विदेश में पढ़ता होगा या कोई बात करता होगा, बहुत तो बहुत करते होंगे तो पटना ऐसा छोटे शहरों में कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी तंज कसे थे,
कहा था बिहार के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं। फरियादियों पर भड़के बिहार के मुख्यमंत्री मांझी 29 अगस्त यानी गुरुवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बिजली की मांग कर रहे लोगों पर मांझी भड़क गए। उन्होंने उनसे साफ कह दिया कि हम आपके वोट से नहीं जीतते। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं। बहुत लोगों के वोट से जीते हैं। इस गीता भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता। बिहार में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के चूहा खाकर जिंदा रहने की खबर पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विचित्र बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चूहा मारकर खाना खराब बात नहीं है। मांझी ने कहा कि मैं भी चूहा खाता था। दरअसल जीतन राम मांझी मुसहर जाति से ताल्लुक रखते हैं। देश के जिन इलाकों में ये दलित जाति है वहाँ सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अब भी बेहद पिछड़ी है। तो सुना आपने बिहार के बयान बहादुर सीएम जीतन राम मांझी को कैसे अपने ही बयानों से पार्टी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो मांझी को कुछ और ही सोचकर सीएम बनाया था, लेकिन मांझी अपने ही बयानों से नीतीश कुमार के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में नीतीश चाहकर भी मांझी का कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश बाबू, मांझी को बिहार का कमान सौंपा है तो झेलो। सुदर्शन न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? नीतीश जी ने काफी अच्छा काम किया था। हाँ, नीतीश जी ने काफी अच्छा काम किया था, काफी विकास हुआ था, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो बीच में जीव मांझी जी को बैठा गए? धन्यवाद। मैंने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि शायद उनको ऐसा लगा कि अब जो नैया डूब रही है उस डूबती हुई नैया को कोई मांझी चाहिए, और जब दोबारा लोगों के सामने चुनाव में जाएंगे तो कम से कम अपने चेहरे को बचा के रखना चाहिए, और इसलिए इनको दिया होगा नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे हुए इस व्यक्ति ने आगे की मैच खेलने के लिए पिच को खराब कर दिया है। अब यहां पर एक भी बॉल डाला जाना संभव नहीं दिखता है, और दुनिया भर में फैले बिहारी जो अपने प्रतिभा से अपनी पहचान बनाते हैं आज स्काइप पर और फोन पर और फेसबुक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमें बिहारी बताने में अब ऐसे मुख्यमंत्री के कारण मुश्किल पैदा हो रही। मैं फिर आपको बता दूं, ऐसे लोगों का उपाय करने के लिए उनके खिलाफ बोलना जरूरी है। बिंदास बोल इसलिए शुरू हुआ है और बाकी मीडिया इस विषय पर बोला नहीं, इसलिए आपके सामने हमने आपको विदाउट एडिट सीधा लाइव ये दिखाने का कार्यक्रम किया है। हम आशा करते हैं कि मांझी अपनी अकल को ठीक कर लेंगे और उनको ठिकाने और उनको ठीक करने की क्षमता वाले अपने उनके वरिष्ठ नेता भी उनको ठीक होने के लिए कोई उपाय करेंगे। आजकल इतना ही। जय हिंद।